अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तमिलनाडु की 17 वर्षीय छात्रा के न्याय की मांग को लेकर सोमवार को मुख्यालय पर प्रदर्शन कर तमिलनाडु सरकार का पुतला फूंका है। पदाधिकारियों ने कहा कि लवण्या से मिशनरी विद्यालय द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव डालने पर आत्महत्या कर ली थी। इसी के चलते तमिलनाडु में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी के द्वारा जब न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया, तब तमिलनाडु के क्रूर सरकार के द्वारा उन्हें जबरन गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। तमिलनाडु सरकार अविलंब राष्ट्रीय महामंत्री को रिहा करे, शिक्षा के आड़ में मशीनरी धर्मांतरण का खतरनाक षड्यंत्र रच रहे हैं, इसके शिकार नाबालिग मासूम बन रहे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। किस कारण से रखा गया यार? तमिलनाडु में हमारी बहन लावण्या जो कक्षा 12वीं में अध्ययनरत थी, जो 12वीं में पढ़ती थी, उस छोटी बहन के साथ जुल्म किया गया। उसे धर्म परिवर्तन के लिए बोला गया कि तुम धर्म परिवर्तन करो। वो ना मानी और वो 10 दिन तक प्रताड़ित होती गई, जिसके बाद उसने अपनी आत्महत्या कर ली। उसने जीना जरूरी नहीं सपना, उसने आत्महत्या करना जरूरी समझा। इस वजह से आज हम पुतला दहन कर रहे हैं और तमिलनाडु सरकार को बताना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद छात्राओं के हित में काम करता है, छात्राओं के लिए कार्य करता है, और जब जब ऐसे काम होते रहेंगे, न्याय नहीं मिलेगा, तब तब हम सड़क पर उतरते रहेंगे और छात्राओं के हित में काम करते रहेंगे। हमारी निधि दीदी त्रिपाठी है जो इस वजह से वो अपने लिए उतरे थे वहाँ पे, तो उन्हें 35 लोगों के साथ 35 कार्यकर्ताओं के साथ जेल में बंद कर दिया गया। जो लोग न्यायी है, जो न्याय कर रहे हैं, वो लोग सड़क पे घूम रहे हैं, और जो इन लोगों को न्याय दिला रहे हैं, उन लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।